बाघर गई हो रे, हो निंदिया बाघर गई हो रे, हो निंदिया बाघर गई हो रे। विश्वामित्र जी के जीवन में सब कुछ ठीक है, वे मुनि नहीं महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। यहाँ रहते हैं, वो स्थान पवित्र है, शुभ आश्रम है, कार्य भी बहुत अच्छे हैं, जप यज्ञ योग। पर मारी स्वभाव से डरते रहते हैं। कर्म पवित्र, समय पवित्र, स्थान पवित्र, कर्ता पवित्र, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। चाहे जितना पवित्र कर्म हो, चाहे जितना पवित्र कर्ता हो, चाहे जितना पवित्र देश हो, लेकिन एक बच गया है, भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होती न तब तक दया भानु, जब तक निकलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना, तन बदले कितने भी पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। कृपा विश्वामित्र जी हार गए, जीत अच्छी की हार, जीत अच्छी नहीं है अगर व्यक्ति अभिमान से जुड़ जाए, और हार अच्छी है अगर व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए। हारे को हरि नाम, और जीत भी अच्छी है अगर मन भगवान से जुड़े कि सफलता तो भगवान की है। हार भी अच्छी अगर भगवान याद आ जाए। विश्वामित्र जी हार गए, हारते ही हरि याद आए, गादी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मर ही न निश्चर पापी। पर चिंता को चिंतन से जोड़ दिया, भगवान का अवतार हुआ है कहां, अयोध्या में। मैं उस अयोध्या में जाऊं जहां के महाराज दशरथ के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी से तो मेरा जिंदगी भर का झगड़ा है। जब तक हम व्यक्तिगत अमान अपमान से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक लोक हित का काम कर नहीं सकेंगे। विश्वामित्र जी कहते मैं तो जाऊंगा, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए, इस बहाने जाकर कहूंगा कि प्रभु आपने जय 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 हो जय। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, भगवान से कहूंगा मैं तो आपको पाने के लिए वन में गया था, आपने घर में बुलवा लिया, लेकिन अगर आपने मेरा वन छुड़ा दिया तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। किंतु आया घर से तुम्हें वन में बुलाने के लिए, किंतु आया घर से तुम्हें वन में
मुझे वन में नहीं रहने दिया, मैं आपको घर में नहीं रहने दूंगा। लेकिन एक बात है, राक्षसों का वध करके अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। दशरथ जी की इच्छा तब पूरी जब यज्ञ पूरा हो गया, और मेरी तब पूरी होगी जब यज्ञ हो जाए। राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से, आज जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। विश्वामित्र जी तरह तरह की इच्छा करते हुए सरयू जी में स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। द्वारपाल ने खबर दी, दशरथ जी सुनकर घबरा गए। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? कहा विश्वामित्र जी आए हैं तो इतना दुखी क्यों? कहा गुरुदेव दुखी तो आपने ही किया। क्यों? श्री राम जी का नाम रामचंद्र रख दिया। इस कुल में हरिश्चंद्र जी हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब रामचंद्र जी हुए तो विश्वामित्र जी आए। ये लगता है कि चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, स्वागत करो, साधु ते होए न कारज हानि। श्री दशरथ जी विद्वान ब्राह्मणों को लेकर जाते हैं, स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मण गए। विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ जी ने प्रणाम किया, पूजन करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अब विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि वाह, प्रभु वन से घर में बुलाया, कुशासन से सिंहासन पर बिठा दिया, और फलाहार की जगह विविध भांति भोजन करवावा। प्रभु आप त्याग से मिलते हो? हाँ। आज कौन सा त्याग है? कि आज तुमने त्याग का त्याग किया है। विविध भांति भोजन करवाबा, विविध भांति भोजन करवाबा, विविध भांति हरस तब पावा, विविध भांति भोजन करवा, भोजन करवावा, विविध भांति भांति भोजन, भांति भोजन, भांति भोजन भोजन कराया गया। मुनि जी प्रसन्न हो गए, मुनिवर हृदय हरस तब पावा, चरणों में चारों बेटों को डाल दिया। अब राम जी को देखकर तो मुनि अपनी देह ही भूल गए, शरीर की सुधि नहीं रही। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। क्या चाहते हो? दशरथ जी ने पूछा। महाराज राम जी को मन में सोचा इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, तो एक बात कही, किस कारण आपका आगमन हुआ है? विश्वामित्र जी बोले, अयोध्या नाथ, राक्षस मुझे सताते हैं, मैं तुमसे याचना करने आया हूं। महाराज मैं चलूं, सेना साथ ले चलूं? नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। क्यों महाराज, क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? विश्वामित्र जी बोले, मार तो मैं भी सकता था, श्राप देकर भस्म कर देता, लेकिन इस बार मैं मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। तारने वाला हमारे यहाँ कौन? अपने गुरुदेव से पूछो। आपन गुरु से बूझो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश, पूरन ब्रह्म सगुन भय, राम मनुज तनु धारी, जगत में तुम्हरो नाम। राजन हम सर्वे
जगत में तुम्हारो नाम है। राजन हम संगे जिए राम लखन धन धारी, जगत में तुम्हारो नाम है। राजन हम संगे जिए राम लखन धन धारी, जगत में तुम्हारो नाम है। दशरथ जी तो घबरा गए, बड़ी आनाकानी की। खेच लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को, ताड़ लीजे चाम पे न नाम लीजे राम को। राम देत नहीं बनाई गुसाई। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, इसी प्रेम के कारण भगवान इनके यहाँ आए हैं। लेकिन ऊपर से क्रोध का अभिनय करते हुए बोले, क्या कहा नहीं दोगे? महाराज ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देते नहीं बनता। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन तुम्हें वो दिन याद है कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था? हाँ महाराज, चार पुत्र कैसे मिले? आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेश यज्ञ कराया, तो जिस यज्ञ ने तुम्हें चार बेटे दिए हैं, आज उसी यज्ञ की रक्षा में दो बेटे भी नहीं भेजोगे? महाराज दें कैसे? राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है और कई ट्रस्टियों का अधिकार है। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, मुनियों के धन जन के सब कुछ सर्वस्व और शिव जी के प्राण। दशरथ जी बोले मेरे पुत्र, इतने ट्रस्टियों का अधिकार है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ट्रस्टी ट्रस्ट की संपत्ति दान तो नहीं कर सकता, लेकिन अपना पद तो दूसरे के लिए छोड़ सकता है। आप अपना पद छोड़ दीजिए। और छोड़ क्या दीजिए? छोड़ चुके हैं। आपने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया है, तो अपने पद पर बिठा दिया है, तो जीवन में भी पिता के पद पर भी उन्हीं को बिठा दीजिए। विश्वामित्र जी के पक्ष में यह निर्णय सुनकर दशरथ जी बोले, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरु जी आज्ञा हो तो माता जी से आदेश ले आए। गुरु जी घबराए कि पिताजी ने इतनी देर की है तो माताजी तो और देर करेंगी, इन्हें अगर भेजते हैं तो काम बिगड़ सकता है और नहीं भेजते हैं तो संस्कार बिगड़ जाएगा। पर विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, काम बिगड़े बने इसकी न सोचो, संस्कार न बिगड़ने पाए इसकी सोचो। माता के पास भेज दिया और माँ ने तो बड़ी जल्दी कहा, जल्दी जाओ बेटा, नहीं गुरु जी चले जाएंगे। कीने विदा चूमी मुख पुष्प माल उर डारी, कर कमलन सोहे धनु तीर, मुनि अनुगमन करत दो वीर, लख छवि बार बार राजेश जाहि बलिहारी, जगत में तुम्हारो नाम। देखो माता कौशल्या जी ने अपने पुत्रों को विश्वामित्र जी के संग लगाया, साधु संग से जोड़ा। और हम लोग, हे भगवान, कभी हम लोग यात्रा करते हैं रेल से, मोटर से, कहीं से निकलते हैं, और मेरा खूब अच्छी तरह का यह देखा हुआ अनुभव है, किसी मैया का छोटा बच्चा रोया तो तुरंत कही, चुप हो जा, नहीं बाबा जी ले जाएंगे, वो बैठे बाबा। और बालक भी बाबा का नाम सुन के ऐसे चुप होता है बिल्कुल। हम लोग साधुओं से डराते हैं। एक जगह हम दो चार महात्मा घूमते हुए जा रहे थे, एक मैया का बच्चा रोया तो मैया बोली, चुप हो जा। हमने मन में सोचा भी ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे, पर वो बड़ी अद्भुत थी। उसने कहा, जैसी बालक रोया बोली, चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएगा।
हमने कहा मैया क्यों इन बालकों के संस्कार बिगाड़ती है, बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं डराने की। एक मैया तो एक महात्मा जी से कह रही थी बाबा अपना फोटो दे दो। फोटो क्या करेगी, पूजा में रखेगी? नहीं नहीं, पूजा में तो और भगवान की फोटो हैं, और तो हमारे फोटो का क्या करेगी महाराज, नाराज नहीं हो? नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या क्या करेगी? बोले आपकी फोटो चाहिए। किस लिए? का छोटा बच्चा बहुत जिद करता, डराने के लिए चाहिए कि ये बैठे बाबा। एक बार ऋषिकेश हम लोग गए थे, तो ये नया जो पुल बना है गंगा जी का, नया झूला कहलाता है, उससे उस पार गए। दोपहरी का समय, बड़ी तेज धूप, एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, अब चरण पकड़ लिए, अब पांव पकड़े छोड़े नहीं। हमने कहा देखा कि बड़ा भगत है, इतने प्रेम से प्रणाम कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ देखे ही नहीं कि हम उसे पहचान सकें, वो दूसरी तरफ देखे। तो हमने कहा भैया हो गया प्रणाम, अब चले महाराज, बस आधा मिनट और रुक जा बस। तो हमने सोचा आधा मिनट का क्या मतलब है, तो हमने उधर ही देखा जिधर वो देख रहा था। समस्या दूसरी थी, जिस आदमी ने हमारा पांव पकड़ा था उसका बेटा मौसमी का जूस नहीं पी रहा था और माँ पिला रही थी। तो जब किसी तरह बालक ने जूस नहीं पिया तो वो दौड़ा दौड़ा आया, हमारा पांव पकड़ लिया, माँ कर दी देख तेरे पिता पकड़े वो रहे बाबा, ले जाएंगे जल्दी पी, वो खड़े बाबा जल्दी पी। हमें तो उस दिन समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है। बालकों में शुभ संस्कार देने चाहिए, संत का संग जीवन को बनाएगा। मुनि संग हरसी चले दो, मुनि संग हरसी चले दो, ऐसे लगता है जैसे तीनों लोकों की सुंदरता दो भागों में बट गई हो। आगे बढ़े, मुनि ने ताड़का को दिखाया, श्री राम जी एक ही बाण से उसका प्राणांत कर देते हैं। दीन जानते निज पद दीना, अब ताड़का दुष्टा है कि दीन, जिसमें दैन्य हो वो दीन, पर ताड़का में भी एक दृष्टि से दीन होने का लक्षण है। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। राम जी के रूप का दर्शन
जिनका अंतःकरण मलिन है, ज्ञान वैराग्य के नेत्र नहीं है, वे नहीं कर पाते। इस अर्थ में ताल का दीन है, दीन जान तेह निज पद दीना। और एक ही बाण से मरी ताड़का। ताड़का है क्रोध की वृत्ति, और क्रोध की वृत्ति तब मिटेगी जब सब में उस एक को ही देखें, सी राम मैं सब जग जाने। और यह दुराशा, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से सुख की आशा करना दुराशा है। और दुराशा भी एक ही बाण से मरती है, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और जब दुराशा मर गई तब विश्वामित्र जी राम जी को पहचान लेते हैं। विद्या निधि को विद्या दीनी, आयुध सर्व समर्पिके सर्वतो भावेन, जो समर्पण हुआ तो राम जी ने भी कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाइए। विश्वामित्र जी हवन करते हैं, राम जी रक्षा करते हैं, राम जी लक्ष्मण जी रक्षा कर रहे हैं। सुबाहु को भगवान ने पूरा मार दिया, मारीच अधमरा रहा। ये मारीच सुबाहु ही दोष और दुख हैं, ये एक साथ रहते हैं। जहां दोष होगा वहीं दुख होगा, बिना दोष के दुख नहीं होगा। दुख तो पूरी तरह मिट गया, दोष बचा रहा। और दोष अगर बचा रहेगा तो चाहे जितना दूर चला जाए ये फिर दुख का कारण बनेगा। मारीच प्रभु के दुख का कारण बना। कितनी देर में राम जी ने डेढ़ राक्षस मारे, एक पूरा एक अधमरा। अनुज निशाचर कटक संहारा। कुछ दिन भगवान वहां रहे। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी बोले कि राम जी एक जगह और चलना है। कहां? एक यज्ञ और बाकी है, वह आपकी कृपा से ही संभव होगा। कौन सा यज्ञ? धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि वर के साथा। सा
भज दशरथ नंदन जनक भज दशरथ नंदन जनक राजा दशरथ घर राम जी भये राजा दशरथ घर राम जी भये हे राजा जनक घर भये लली दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली आगे आगे विश्वामित्र महामुनि आगे आगे विश्वामित्र महामुनि पाछे से लक्ष्मण अतुल बली जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली भज दशरथ नंदन जनक लली आश्रम दिखाई दिया ऋषि मुनि मानव कोई नहीं अहिल्या माता का आश्रम विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा भगवान राम ने देखा पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी भगवान ने कहा जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर राम जी ने भी सोचा कहिल्या जी तो पत्थर की शिला बनी हुई है यह मेरे पास चलकर नहीं आ सकती तो चलो मैं ही इनके पास चलूं यह शिला के रूप में है मेरी कथा नहीं सुन सकती तो मैं ही इनकी कथा सुनूं विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई लक्ष्मण जी को लगा यह तो इस बेचारी की व्यथा है लक्ष्मण जी ने कहा जब यह इसकी व्यथा है तो आप कथा क्यों कह रहे हो विश्वामित्र जी ने कहा इस व्यथा को सुन कौन रहा है कहा राम जी विश्वामित्र जी बोले जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाए वो व्यथा भी कथा बन जाती है भगवान ने पाद स्पर्श कराया परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही श्री राम जी को देखा देखते रह गई जुगल नयन जलधार बही अहिल्या जी का तो उद्धार हुआ गए पतिलोक आनंद भरी राम जी उदास हो गए अयोध्या से चले तो हरसी चले मुनि भय हरन विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसी चले मुनिवर के साथा पर अहिल्या जी के उद्धार के बाद हरस विशेषण नहीं चले राम चले क्यों राम जी को लगता है चरण छुला दिया पाप हो गया गंगा जी किनारे आए तीर्थ का भी एक नियम है महात्म सुने स्नान करे दान दे महात्म सुनने से अंतःकरण मन पवित्र होता है महात्म सुनने से मन पवित्र होता है स्नान करने से तन पवित्र होता है और दान देने से धन पवित्र होता है दान जो दे दान वह नहीं है नादान धन को पवित्र करने के लिए दान दान
श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए। एक आदमी ने कहा कि गुप्त दान की बड़ी महिमा है, हम तुम्हें गुप्त दान दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे दिन गए तो चेक भर के दे दिया कि ले आओ। बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा कि ले जाओ, नहीं मिले क्यों, बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो दौड़ कर आए कि भैया आपने इसमें हस्ताक्षर तो किया ही नहीं। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है। अब बोलो ऐसे दान से, भगवान दान करते हैं। उसके बाद